हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूँ आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे संग ऑलरेडी जुड़ के तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट कोर्स की। अगर आप भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे संग अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस कोर्स का पूरा एक्सेस पा सकते हैं वेदर्श्री लर्निंग ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं दोस्तों कि बोनस शेयर्स इशू करना क्या होता है। अब आप पहले मीनिंग समझ लीजिए, बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे आपने शेयर खरीदे तो आप बन गए शेयर होल्डर, आप बन गए कंपनी के ओनर, उस एक्सटेंट तक जितने आपने शेयर खरीदे हैं। जितने ज़्यादा आप शेयर खरीद लेंगे उतने बड़े आप ओनर बन जाएंगे। तो अब बोनस शेयर क्या चीज़ होती है। देखिए, बोनस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको मिलती है विदाउट एनी कंसिडरेशन। मतलब आपने कुछ नहीं दिया, आपको बोनस मिल गया ऐसी, ठीक है। तो आपने बस शेयर होल्ड करके रखे हैं। तो कंपनी क्या करती है कभी कभी कि ऐसा कर देती है कि आपको, जैसे कंपनी में मान लीजिए प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो कंपनी ने मान लीजिए बोल दिया कि हम 1:1 में बोनस शेयर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बोनस शेयर दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके पास एक शेयर है ऑलरेडी, उसको एक और शेयर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझ पर 5 शेयर थे, तो कंपनी मुझे 5 और शेयर दे देगी, 1:1। जितने मुझ पर शेयर हैं उतने शेयर मुझे और मिल जाएंगे। तो उसे कहते हैं बोनस शेयर इशू करना। तो कंपनी क्या करेगी कि एक जिस पे शेयर है उसको एक और शेयर दे देगी, उसे कहेंगे आप बोनस शेयर। तो कंपनी ने इशू कर दिया जी बोनस शेयर। अब ये बोनस शेयर कहाँ कहाँ से इशू हो सकते हैं, इसके लिए कंपनी को चाहिए होंगे पहले पैसे, क्योंकि पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि कंपनी तो आपको फ्री में शेयर दे रही है ना। लेकिन मान लीजिए उस शेयर की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये, तो कंपनी को तो पहले 100 रुपये अपने पास चाहिए ना, तभी तो आपको 100 रुपये का शेयर देगी। तो ये 100 रुपये कहाँ से आएंगे? तो इसके कुछ सोर्सेज होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं सोर्सेज? तो अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ, सोर्सेज लिख देता हूँ बस मैं, सोर्सेज बोनस शेयर्स के, ठीक है। कि बोनस शेयर्स आप इशू करेगी कंपनी तो कहाँ कहाँ से करेगी। बोनस शेयर इशू करना मतलब आप समझ गए कि जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं कंपनी उनको फ्री में शेयर दे देती है। अब कंपनी दे रही है फ्री में शेयर्स, आप ये बात समझ गए, लेकिन फ्री में देने के लिए आपके पास होने भी तो चाहिए। तो कंपनी पहले वो शेयर बनाती है उतनी वैल्यू क्रिएट करके, ठीक है, उतने पैसे क्रिएट करके कंपनी बनाती है, और अपने कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए, उनको फ़ायदा हो जाए। तो पैसे कहाँ से आएंगे देखिए ये सब काम करने के लिए। तो पहला सोर्स है भाई प्रॉफिट आप कमाते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लीजिए कंपनी में बहुत प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट को कंपनी ऐसे ना बांट के, जैसे प्रॉफिट एज डिविडेंड दे सकते हैं। आपको डिविडेंड पता होगा कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे कंपनी बांट देती है। तो अब डिविडेंड ना बांट के कंपनी ये कर सकती है कि आप बोनस शेयर ही ले लो। क्या आप शेयर पे थोड़ा थोड़ा डिविडेंड लोगे, लो एक और शेयर ले लो, एक शेयर फ्री शेयर ले लो। तो प्रॉफिट से क्या करा, बोनस शेयर बांट दिया, तो एक प्रॉफिट से बांट सकते हैं। दूसरा है आपका कोई जर्नल रिजर्व है कंपनी में पड़ा हुआ बहुत टाइम से, ऐसे ही आपने एक रिजर्व बनाया था और वो बहुत टाइम से कंपनी में पड़ा हुआ है, कुछ काम उसका हो नहीं रहा है, तो उसको क्या करा, उतने पैसे को शेयर्स में कन्वर्ट किया और वो शेयर लोगों में बांट दिए, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड, आपका थर्ड पॉइंट है आपका कोई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। कोई आपका डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो जो यूज नहीं हुआ हो, या फिर कोई सिंकिंग फंड भी होता है एक, ठीक है, ये भी आपका यूज नहीं हुआ है, आफ्टर डिबेंचर रिडेम्पशन, आफ्टर ठीक है, ये रेड मतलब रिडेम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। तो डिबेंचर का रिडेम्पशन हमने कर भी दिया, लेकिन तब भी हम पे कोई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बचा है या सिंकिंग फंड बचा है, तो अब इस फंड का क्या करें। डिबेंचर तो हमने रिडीम कर दिया, मतलब डिबेंचर हमने पे कर दिए, उसको रीपे कर दिया जो भी उसकी अमाउंट थी, लेकिन वो फंड अभी तक पड़ा हुआ है। तो जैसे ये फंड रिजर्व पड़ा हुआ था, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, यहाँ पे भी फंड पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर शेयर को हम बांट देंगे एज बोनस शेयर्स। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। कभी कभी ये भी होता है आपके पास प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी ने कुछ प्रॉफिट्स अगर कमा लिए इन केस, तो उसको भी आप प्रॉफिट को शेयर में कन्वर्ट करके
फिर शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है आपकी। अब जो इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया और अगला आपका हो गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये दो भी जो आपके रिजर्व्स हैं ये भी बोनस शेयर्स के लिए यूज करे जा सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको उसमें याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होंगे कब, ओनली फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स, जो शेयर्स फुल्ली पेड अप है। अगर कोई शेयर्स पार्शली पेड अप है तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इनका यूज नहीं कर सकते बोनस शेयर्स देने के तौर पे, ठीक है, तब इनका यूज नहीं हो सकता। इनका यूज कब होगा, जब सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स हो। अब फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू किया और इसको 2, 5, 7, 8, 9, 10, 3 ऐसे करके इशू कर दिया, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा, 2 रुपए मंगा लिए, लोगों ने पे कर दिए, 5 रुपए मंगा लिए, पे कर दिए। अब कंपनी ने 3 रुपए भी कॉल ही नहीं करी है, कंपनी को लग रहा है कि अभी हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है तो ये 3 रुपए नहीं मंगाए, तो इसको कहेंगे हम नॉट फुली पेड अप या पार्शली पेड अप, कि अभी पे नहीं हुआ है, पूरा का पूरा शेयर का पैसा नहीं आया है। तो ऐसे केस अगर है, ऐसे वाला अगर पार्शली पेड अप केस चल रहा है, तो तब आप ये दोनों चीजों को नहीं यूज कर सकते हैं बोनस शेयर देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सेप्शन में आते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर फुली पेड अप है कि 3 रुपए मंगा लिए, तब आप ये दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज हैं कि इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, पैसे लेके बोनस शेयर बना सकते हैं, फिर बोनस शेयर फ्री में शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। तो दोस्तों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं हम बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर का मीनिंग हमने समझ लिया कि कंपनी क्या कर रही है, फ्री में शेयर्स दे रही है, आपको कुछ नहीं देना है कंपनी को। मतलब अगर आप पहले से शेयर होल्डर हैं तो कंपनी आपको फ्री में दे देगी विदाउट एनी कंसिडरेशन जो आपको शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको खरीदने नहीं पड़ रहे हैं, या पहले से शेयर होल्डर हैं इसलिए आपको कंपनी फ्री में बोनस शेयर्स दे रही है, तो विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको बोनस शेयर मिल रहे हैं। अब कैसे कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या इसमें एंट्रीज बनेंगी, वो देख लेते हैं। तो बोनस शेयर्स का हम देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखिए पहली एंट्री कैसे बनेगी, मैंने आपको बताया कि जो ये शेयर्स फ्री में दिए जाएंगे इसके लिए जो पैसा आएगा उसके अलग अलग सोर्सेज थे, कि कोई प्रॉफिट से या कोई हमारा जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है पुराना, या और कोई फंड या रिजर्व्स हम पे एक्यूमुलेटेड पड़े हुए हैं पहले से, तो उस पैसे को क्या करेंगे, शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो शेयर्स बांट देंगे, ये हमें करना है। तो पैसे आएंगे पहले उन फंड या रिजर्व से, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मान लो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से पैसे निकाल लिए, या फिर हमने कोई जनरल रिजर्व से पैसे निकाल लिए तो वो भी डेबिट हो जाएगा, या फिर हमने कोई और जो सारे मैंने आपको वहाँ पे सोर्सेज लिखाए हैं उसमें से कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। 2-4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डेबिट हो जाएंगी यहाँ, ठीक है, ये सब आप डेबिट में इसकी अमाउंट लिख देंगे। अब क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में हम क्या कर रहे हैं, ये सारे पैसे लेके या इसमें से 1-2 या जो भी आपके क्वेश्चन में होगा वो आप लिख देंगे, वो पैसे लेके हम क्या कर रहे हैं, उसके बोनस शेयर्स बना रहे हैं, तो बोनस शेयर बनाएंगे तो उसको लिख देंगे टू शेयर होल्डर्स कि जो हम बोनस देंगे शेयर होल्डर्स को, वो अकाउंट लिख देंगे, वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये पैसे से हमने क्या करा, बोनस शेयर्स बना दिए। अब उसके बाद अगली एंट्री क्या बनती है कि हम उनको शेयर्स के तौर पे इस बोनस को दे देंगे, ये हमने इस पैसे का बोनस बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बोनस शेयर्स उनको दे देंगे, तो उनको हम जब देंगे तो बन जाएगा ये चीज़ जो आपने क्रेडिट करी है इसी को आप डेबिट कर देंगे, तो आपको लिख देंगे इसे बोनस टू
शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और टू में आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है तो इसको अब हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे कि हमारी शेयर कैपिटल बन गई। तो ये आपकी बन गई शेयर कैपिटल, एंट्री आपकी इतनी ही रहेगी। एक और चीज़ इसमें ये हो सकती है कि अगर इसमें प्रीमियम हो कि आप जो शेयर्स दे रहे हैं वो प्रीमियम पे है, तो यहाँ पे आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ सकता है, वो भी आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल रहेगा यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है कि आए हमेशा। ये आपका आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में ये चीज़ है नहीं है। तो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए क्या है, बोनस शेयर्स के आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सोर्सेज क्या है, कि कहाँ से भाई पैसे आएंगे, क्योंकि आप फ्री में तो दे रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं। तो पैसे जो लगते हैं वो कहाँ से आएंगे, उसके सोर्सेज आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। और लास्ट के दो आपको याद रखने हैं कि वो फुली पेड अप के लिए हैं, ठीक है। वो थे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा, फिर आ जाता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उसमें बनेगी आपकी दो एंट्री, पहली एंट्री में आप जहां से वो पैसा ला रहे हैं वो डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर्स, और दूसरी एंट्री बन जाएगी आपकी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर इसमें प्रीमियम होगा तो फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आज हमने समझा बोनस शेयर्स के बारे में। अगर आप ऐसी और वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है हमसे, हमसे आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी पूरा कोर्स आपको पता ही है, आपको कोर्स कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप में, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगले टॉपिक्स के संग आपको आगे हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।